एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। इनकलाब इनकलाब वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपके इलाके में 12 मोहल्ला क्लिनिक का आज बनने का काम शुरू हो रहा है और मार्च तक आपके यहाँ पे 12 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो जाएंगे। किस किस को पता है मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? हाथ खड़े करो जरा से। तो कईयों को तो अभी पता ही नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मोहल्ला क्लिनिक एक डिस्पेंसरी होती है। डिस्पेंसरी तो पता है सबको, पहले जो सरकारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी हम देखते थे उसमें दीवारें टूटी हुई हैं, मशीनें काम नहीं करती, डॉक्टर आते नहीं है, डिस्पेंसरी खुलती नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, गरीब आदमी भी सरकारी डिस्पेंसरी में जाके राजी नहीं होया करता था पहले। अब हमारी सरकार ने आने के बाद नई तरह की डिस्पेंसरी बनाई है, उसका नाम मोहल्ला क्लिनिक रखा है क्योंकि आपके मोहल्ले में बनती है। एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, शानदार फन्ने खां डिस्पेंसरी। उसमें सारा इलाज मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, डॉक्टर भी बैठता है, अच्छे से बात करता है। और ये डिस्पेंसरी इतनी शानदार है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, मैं अभी ग्रेटर कैलाश गया था थोड़े दिन पहले। ग्रेटर कैलाश की आरडब्ल्यूए ने मेरे को बुलाया था, उनका कोई कार्यक्रम था। ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कोठी वाले रहते हैं कि नहीं रहते? ग्रेटर कैलाश में गरीब नहीं रहते, बड़े बड़े कोठी वाले अमीर लोग करोड़पति रहते हैं। तो उसमें कार्यक्रम में आरडब्ल्यूए ने अपनी मांग रखी, जब मुख्यमंत्री जाता है ना तो लोग कहते हैं जी ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। तो उन्होंने आरडब्ल्यूए ग्रेटर कैलाश की आरडब्ल्यूए ने मांग रखी, बोले जी हमारे यहां 3 मोहल्ला क्लिनिक बनवा दो। मैं बड़ा दंग रह गया, इतने अमीर लोग, कोठी वाले लोग, अब अगर दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में जाना शुरू कर रहे हैं तो भाई साहब अब अच्छी होगी वो नहीं? इतनी शानदार डिस्पेंसरियां बना रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, 190 डिस्पेंसरी बन चुकी, 1000 डिस्पेंसरी बनने वाली हैं। मार्च अप्रैल के महीने तक पूरी दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। आपके इलाके में 12 मोहल्ला क्लिनिक का आज शिलान्यास रखा जा रहा है, मार्च के महीने तक ये सारी बन के तैयार हो जाएंगी। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। दो पहले चल रही हैं आपके यहां। पिछले 3 साल में दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक काम हुए हैं। सबसे बड़ा काम हुआ, कि जब मैं मुख्यमंत्री बना सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी। आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है, सबसे सस्ती। जिन जिन लोगों के बिजली के बिल कम हो गए हाथ खड़े कर दो जरा से, जिनको शर्म आ रही है वो भी कर दो, बिजली के तो सारे के सबके हो गए। मैंने बिजली के बिल कम कर दिए, आपसे हाथ भी नहीं खड़ा किया जाता, इतना तो कर ही दो यार। सरकारी स्कूलों का 3 साल में काया पलट हुआ कि नहीं हुआ? जिन जिन लोगों को लगता है हाथ खड़े कर दो जरा से।
जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, सबके लिए मुफ्त कर दिया। अगर आपका 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन है, भगवान ना करे कोई बीमार हो आपके घर में, लेकिन अगर कोई बीमार है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार है आपकी रक्षा करने के लिए, आपको आपका इलाज कराने के लिए। इतने सारे काम करे, अभी पंकज गुप्ता जी आपको बता रहे थे, जो हमने होम डिलीवरी शुरू करी है कि अब आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम कराना हो एक नंबर दे दिया 1076, उस पर फोन करो, सरकार आपके घर आके, सरकारी दफ्तर अफसर आपके घर आके काम करके जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, पहली बार पूरी दुनिया में हुआ है कि अफसर आके आपके घर काम करके जाता है। अब किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कोई लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। इस पे फोन करो, बोलो जी मेरे को अपना राशन कार्ड बनवाना है, मेरे को अपनी विधवा पेंशन लगवानी है, मेरे को ये काम कराना है, अफसर आपके घर आएंगे और आपका काम करके जाएंगे। कभी सुना था? कभी सुना था? क्रांतिकारी काम हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब, अपनी एक तकलीफ आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने 4 साल पहले दिल्ली में 7 सांसद बनाए थे, एमपी बनाए थे, याद है? बीजेपी के 7 बनाए थे, कभी दिखे? आपके इलाके में आए कोई? यहां का कौन है सांसद? हर्षवर्धन, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आए आपकी गली में कभी? इन 7ों ने मिलके, यहां इतने कई हजार लोग खड़े हैं, इन 7ों ने, बीजेपी के 7ों एमपी ने मिलके कोई एक काम आपका कराया हो? एक काम हाथ खड़ा कर देना, भाई मेरी गली बनवाई फलाने ने, किसी की पेंशन लगवाई हो, किसी के बच्चे का एडमिशन कराया हो, किसी का इलाज कराया हो, किसी का कोई काम कराया हो इन 7ों ने मिलके? एक ही काम करा जी इन 7ों ने मिलके। जो काम मैं करता हूं, इन 7ों ने जाके एलजी को कह कह के, एलजी को कह कह के, एलजी को चिट्ठी लिख लिख के, एलजी से मिल मिल के सारी फाइलें आपकी रुकवा दी, सारी फाइलें रुकवा दी। मैंने अभी आपको बताया 190 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हम लोगों ने, जैसे ही हमारी सरकार बनी 190 मोहल्ला क्लिनिक तो 6 महीने में ही बना दिए थे, इनको पता नहीं चला। जब इन्होंने देखा इतने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, और अगर पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन गए तो आम आदमी पार्टी के लिए जनता आम आदमी पार्टी की हो जाएगी सारी जनता, तो इन्होंने 7ों ने जाके एलजी साहब को कहा ये फाइल क्लियर मत करना। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे हम, 3 साल तक एलजी साहब फाइल पे बैठे रहे। ये 7ों एमपी आपके, बीजेपी के 7ों एमपी एलजी साहब के पास गए, बोले फाइल क्लियर मत करना, 3 साल तक एलजी साहब फाइल के ऊपर बैठे रहे। हम दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? जिन जिन को लोग लगता है नहीं लगने चाहिए बताओ जरा, लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? 2 साल तक ये 7ों एमपी बीजेपी के 7ों एमपी एलजी साहब के पास गए, बोले ये सीसीटीवी पास मत होने देना, 2 साल तक एलजी साहब सीसीटीवी की फाइल पे बैठे रहे। अब ये जो होम डिलीवरी शुरू करी है, 2 साल तक एलजी साहब इस फाइल के ऊपर बैठ गए, स्कूल नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते, होम डिलीवरी नहीं होने देते, राशन कार्ड नहीं बनने देते, पानी की पाइपलाइन नहीं लगने देते, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देते, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। दोस्तों, मैं सोच रहा था अगर आज 7ों एमपी आम आदमी पार्टी के होते, किसी एलजी की मजाल नहीं थी जो हमारी एक भी फाइल रोक देता। हार के जब कोई चारा नहीं बचा,
मेरे को अपने दो मंत्रियों के साथ एलजी के घर के अंदर घुस के धरना करना पड़ा। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस के अंदर घुस के। मैं एलजी साहब के पास गया एक दिन, कई बार मिला मैं एलजी साहब से, मैंने कहा जी फाइल क्लियर कर दो। हाँ अगली बार कर दूंगा, मैंने कहा जी फाइल क्लियर कर दो, मेरी दिल्ली के लोगों को तकलीफ, अगली बार कर दूंगा। एक दिन मैं गया, फिर बोले अगली, मैंने कहा जी आज मैं यहीं बैठा हूं, अब यहां से मैं तभी उठूंगा जब ये सारी फाइलें क्लियर करोगे। 10 दिन बैठा रहा, 10 दिन के बाद एलजी साहब ने आपकी सारी फाइलें क्लियर कर दी। आपके लिए गया था, ये लोग कहते हैं ना केजरीवाल लड़ता बहुत है, मैं अपनी बेटी की नौकरी लगवाने के लिए नहीं लड़ता, अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए नहीं लड़ता, आप लोगों के लिए लड़ता हूं, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ता हूं, आपके मोहल्ला क्लिनिक के लिए लड़ता हूं, आपकी बिजली के लिए लड़ता हूं, आपके सीसीटीवी कैमरे के लिए लड़ता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपके मोहल्ला क्लिनिक रोके, जिन लोगों ने आपके सीसीटीवी रोके, जिन लोगों ने फाइल भी पास होने दी, उनको ऐसे ही छोड़ दोगे? उनको उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? कैसे दोगे सजा, कैसे दोगे सजा? इस बार जब मशीन में बटन दबाने जाओ, एक भी बटन कमल के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जिन जिन लोगों ने आपके, इस बार याद रखना, जब वोट करने जाओ गुस्सा होना चाहिए आपके अंदर। जिन लोगों ने आपके मोहल्ला क्लिनिक रोके, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे रोके, जिन्होंने आपके स्कूल रोके, जिन्होंने आपके अस्पताल रोके, इतनी हिम्मत इन लोगों की कि दिल्ली के लोगों के काम रोकेंगे? पूरी दिल्ली में आज सीलिंग हो रही है, मैंने खूब विरोध किया सीलिंग का, लेकिन भाई साहब मैं अकेला पड़ गया। आज अगर 7 एमपी आम आदमी पार्टी के होते, इनकी हिम्मत नहीं थी जो सीलिंग कर देते, संसद ठप कर देते हमारे सारे एमपी, संसद नहीं चलने देते हम। इन्होंने मेट्रो के किराए बढ़ा दिए, अच्छा करा मेट्रो के किराए बढ़ा के, आज बेचारा एक कोई आदमी मेट्रो इस्तेमाल करने लायक नहीं, आधी तनख्वाह मेट्रो के किराए में चली जाती है, सीधे 3-3, 4-4 गुना किराया कर दिया इन्होंने। मैंने खूब विरोध किया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत विरोध किया। हरदीप पुरी से जाके मिला, मैंने कहा जी मेरे दिल्ली वाले इतनी महंगी मेट्रो नहीं कर सकते। मैंने उनको यह भी कहा, मैंने कहा आधा किराया मैं कम करता हूं, आधा तुम कम कर दो, वो भी नहीं माने वो लोग। फिर मैंने मोदी जी से टाइम मांगा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मेरे से तो मिलते ही नहीं है वो। दोस्तों अगर आज 7 एमपी आम आदमी पार्टी के होते, इनकी हिम्मत नहीं थी जो मेट्रो के किराए बढ़ा देते, संसद ठप कर देते हम लोग। मैं कई लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा क्यों दिया था तुम लोगों ने बीजेपी का वोट, क्यों बनाए थे इनके 7 सांसद? बोले जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाए थे। क्या मिला आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के, बताओ? कुछ मिला हो तो, कुछ मिला हो, 1 किलो चीनी मिली हो, चीनी भी बंद कर दी इन्होंने, कोई 1 किलो गेहूं मिली हो, कोई चावल मिले हो, कुछ मिला हो, कुछ मिला मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के? नोटबंदी मिली। इस बार ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना, 7 सांसद आम आदमी पार्टी के दे दो, प्रधानमंत्री चाहे इस पार्टी का बने चाहे उस पार्टी का बने, जैसे एलजी के घर में घुस के आपके मोहल्ला क्लिनिक की फाइल साइन करा के लाया था, सीसीटीवी कैमरे की साइन करा के लाया था, जो मर्जी प्रधानमंत्री बने उसके घर के अंदर घुस के आपके सारे काम करा के ला दूंगा, आप चिंता मत करना। इस चक्कर में मत पड़ना कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस बार वैसे भी कुछ नहीं पता कौन बनेगा, सबकी सबका हाल खराब हो रहा है इस बार। और एक और बात है, जो जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, ये कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ जाना,
आजकल बीजेपी वाले आरएसएस वाले पार्कों में आजकल प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वाले सवेरे सवेरे पार्कों में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेरे कई एमएलए ने बताया, कई लोगों ने बताया जी आजकल सवेरे सवेरे कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। क्यों कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। तो आपको बीजेपी वाले कहते सुन मिल जाएंगे, अरे यार मोदी ने भट्ठा बिठा दिया, अरे यार नोटबंदी कर दी, मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया, इससे तो कांग्रेस ही अच्छी थी। बीजेपी वाले कहते मिल जाएंगे, इससे तो कांग्रेस ही अच्छी थी। क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले थे, कांग्रेस को 15% वोट मिले थे, बीजेपी को कितने मिले, 46। याद रखो थोड़े से, 46% बीजेपी को, 33% आम आदमी पार्टी को, 15% कांग्रेस को। इस बार सारे सर्वे दिखा रहे हैं बीजेपी के 10% वोट कम होंगे, तो बीजेपी के कितने रह जाएंगे, 36। आम आदमी पार्टी के 33, कांग्रेस के 15, ये 10 किसके पास जाएंगे। अगर ये 10 आम आदमी पार्टी के पास आ गए तो आम आदमी पार्टी के 43 हो जाएंगे, 7 सीट आम आदमी पार्टी की आ जाएगी। और अगर ये 10% कांग्रेस के पास चले गए तो कांग्रेस के 25% होंगे और 7 सीट बीजेपी की आ जाएगी। समझ गए खेल। अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, 7 सीट बीजेपी की आएंगी, और अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो 7 सीट आम आदमी पार्टी। अच्छे से समझ के जाना सारे जन। आज कांग्रेस नहीं हरा सकती बीजेपी को दिल्ली में। पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी और पिछले 3 चुनाव में 90% कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। आज केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है बीजेपी को, ये सारे जने समझ के जाना। और एक चीज और है, आज सवेरे 3 बजे एक बहुत बड़ी घटना घटी है इस देश के अंदर। सीबीआई का नाम कौन कौन जानता है, जरा हाथ खड़े करो, कौन कौन जानता है। आज सवेरे सवेरे 3 बजे, रात को 3 बजे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। पता है आपको, किस किस को पता है, किसी को नहीं पता। यही तो चक्कर है, ये टीवी वाले दिखाते नहीं है, हमें पता नहीं चलता। ये टीवी वाले आजकल सुबह से शाम तक मोदी मोदी आरती उतारते रहते हैं मोदी जी की, असलियत नहीं बताते। आज सवेरे 3 बजे प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया, एक राफेल घोटाला हुआ है। राफेल का नाम सुना है लोगों ने, कईयों ने नहीं सुना, उनकी जानकारी के लिए बता, राफेल एक हवाई जहाज का नाम है, लड़ाकू जहाज है, सेना खरीद रही है उस जहाज को, 600 करोड़ का जहाज है, हैं जी, 546, उनको ज्यादा पता है, 546 करोड़ का, मैंने तो 600 कह दिया, वो कह रहे हैं 546 करोड़ का जहाज है। उसको मोदी सरकार 1500 करोड़ में खरीद रही है। बताओ जी, 546 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ में खरीद रहे, एक एक जहाज में हजार हजार करोड़ रुपए का घोटाला। 36 जहाज खरीद रहे हैं, 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला। अब ये सीबीआई का जो डायरेक्टर था, ये बेचारा ईमानदार आदमी था, इसने इस घोटाले की जांच करनी चालू कर दी। और सवेरे सवेरे आज 3 बजे, बताओ रात को 3 बजे सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी। मैं तो ये सोच रहा था मोदी जी सोते भी हैं कि नहीं सोते, रात को 3 बजे उसको सवेरे 8 बजे कर देते यार, 9 बजे दफ्तर खुलने के बाद कर देते। वो पता चला, वो आज सवेरे सीबीआई का डायरेक्टर केस दर्ज करने वाला था, सवेरे से इस घोटाले का केस दर्ज करने वाला था, मोदी जी ने रात को 3 बजे उसको सस्पेंड कर दिया।
मोदी जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, ईमानदार है तो डरते क्यों हैं? मेरे ऊपर मोदी जी ने सीबीआई की रेड कराई, मैं तो नहीं डरा, मैं तो उनको सीबीआई वालों को रोटी खिलाई, खाना खिलाया, स्वागत किया, चाय पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और पूरी सीबीआई की रेड के बाद केजरीवाल के घर क्या मिला? 4 मफलर मिले। सीबीआई वाले पूछे जी ये कहां से आए? तो अगर केजरीवाल को डर नहीं लगता, केजरीवाल ईमानदार है, तो मोदी जी को डर क्यों लगता है? मोदी जी कहते हैं भाई जांच कर लो मेरी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जो मोदी जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये थोड़े से ध्यान रखा करो, पढ़ा करो। सोशल मीडिया पे सब पता चलता है, मीडिया पे नहीं पता चलता। आजकल मीडिया तो मोदी जी ने सारा अपने कब्जे में कर रखा है, सोशल मीडिया पे आजकल खूब पता चलता है। वैसे तो उस पर भी कब्जा कर ले, व्हाट्सएप पे इन्होंने खूब बिठा रखा है अपने आदमी चारों तरफ। पर दोस्तों आज महावीर, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पे आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से अंत में आपको बधाई देता हूँ कि आपके इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।